हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इकोनॉमिक्स का, जो कि है मेक इन इंडिया। तो इस स्कीम के बारे में आपने सुना ही होगा। ये स्कीम जो है काफ़ी पहले लॉन्च हो गई है, 2014 में लॉन्च हो गई है। सो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये है क्या मेक इन इंडिया, देन हम पढ़ेंगे इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर हम पढ़ेंगे लॉन्च डेट, फिर हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे फोकस कि किन किन सेक्टर्स पर फोकस करता है, जैसे एनर्जी है, डिफेंस है, जैसे इस तरह से सेक्टर्स होते हैं। तो ये स्कीम कौन कौन से सेक्टर्स पर इफ़ेक्ट करती है वो सब हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं इनिशिएटिव्स, सम इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें हम कुछ स्कीम्स पढ़ते हैं, कुछ प्रोग्राम्स पढ़ते हैं, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना हो गया, स्वास्थ्य योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, तो इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स हम पढ़ते हैं। तो उसी में से एक है मेक इन इंडिया। तो आज हम सिर्फ मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप और के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं आप कौन से स्कीम के बारे में पढ़ना चाहते हो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। सो मेक इन इंडिया नाम से क्या लगता है, इंडिया में बनाए, कुछ ऐसा असर लग रहा है इंडिया में बनाए, तो इसका मतलब यही है। क्या मतलब है आगे चल के आपको पता चलेगा। सो ये एक नेशनल प्रोग्राम है, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ये एक नेशनल प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है। इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, इनोवेशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट होगी। अब ये सब कैसे होगा, देखिए मेक इन इंडिया का मतलब है कि जो बाहर कंपनीज हैं उनको इस तरह से कन्विंस करना कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आके करें। इससे क्या होगा, जब वो इंडिया में आएंगे, इंडियन लोगों को हायर करेंगे, तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी इनोवेशन बढ़ेगी, वो ज़्यादा इनोवेटिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, इनकी स्किल्स डिवॉल्व होंगी, प्लस मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया का वो इम्प्रूव करेगा। अब यहाँ पे अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएगी तो उसे एक अच्छे सा ऑफिस बनाना पड़ेगा, कुछ कंपनी या फैक्ट्री टाइप ओपन करनी पड़ेगी, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया का वो भी इम्प्रूव करेगा। तो हम लिख सकते हैं पहले कि दैट इट इज़ अ नेशनल प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच विल हेल्प इन फोस्टरिंग इनोवेशन, इन एनहांसिंग स्किल डेवलपमेंट एंड इन मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, राइट। तो इस तरह से आप अपने वर्ड्स में इसको बना सकते हैं। ये भी मैंने खुद एक बुक से पढ़ा था, बट मैंने ये पॉइंट्स खुद से बनाए हैं, सो दैट अगर आपको मेंस में या कहीं भी प्री में आ जाए तब तो आपको टिक मार्क ही करना है, बट अगर मेंस में आ जाए इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ तो आप वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से इसे रिप्रेजेंट कर सको। तो ये तो हो गया कि ये है क्या। अब आपको समझ ही आ गया होगा, ठीक है, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीन वर्ड्स आपने याद रखने हैं। थोड़ा सा डायग्राम बना के भी आप इसको कर सकते हो। फिर आगे आता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, राइट। तो इसका है कि टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड स्ट्रेथन इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो कंपनीज़ है जैसे सैमसंग है, एप्पल है, ये सब बाहर मैन्युफैक्चर करती हैं, तो इनको कन्विंस करना कि ये इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, इंडिया में आए और फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी स्ट्रेथन होगा। जैसे सैमसंग है, आई थिंक सैमसंग या ऐसी कोई मोबाइल कंपनी है, मुझे एग्जैक्टली ब्रांड याद नहीं है, तो वो भी जो है एक साल पहले की न्यूज़ है कि वो भी अब इंडिया में बेंगलोर में आके मैन्युफैक्चरिंग अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, उस टाइम ये न्यूज़ थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फिर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन होगी इंडिया को, कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्या कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड स्ट्रेथन इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेड बाय DIPP। ये क्वेश्चन भी हमेशा बनता है MCQs में कि DIPP क्या है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो इसके अंडर ये स्कीम चल रही है, डिप के अंडर, एंड ये किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आती है लॉन्च डेट, किसकी लॉन्च डेट कब की है, तो इट वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड ऑन सितंबर 25, 2014 25 सितंबर 2014 को ये इंट्रोड्यूस की गई थी फॉर्मली। नेक्स्ट आता है इसके इंपॉर्टेंस की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। पहली है इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। अब अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी तो उससे हमारी इकोनॉमी भी तो ग्रो करेगी, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करेगा हमारी GDP में, नेशनल इनकम में, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इट विल क्रिएट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट होती है तो उसके लिए लेबर वर्क, लोगों की हेल्प, लोगों की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, तो वो भी इंडिया से ही हायर किए जाएंगे, और आज के डेट में आपको अनएम्प्लॉयमेंट का तो पता ही है इंडिया में कहाँ जा रही है, कहाँ को बढ़ रही है, तो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगी। नेक्स्ट है इट विल एम्पावर सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर क्या होते हैं, सेक्टर्स, ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी।
यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं, तो ये दोनों सेक्टर्स भी हमारे इंप्रूव करेंगे, ठीक है. देन इट विल इंप्रूव इंडियाज रैंक ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स. तो इंडेक्सेज हम पढ़ते हैं, ठीक है, पासपोर्ट इंडेक्स, सिक्योरिटी इंडेक्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं. तो उसमें से एक होता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, कि बिजनेस कोई कंट्री कितने अच्छे से कंडक्ट कर रही है. तो अगर यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है इंडिया में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंडिया का रैंक भी इसमें इंप्रूव होगा, राइट. नेक्स्ट है, इट विल मेक द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल. ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट आता है फोकस. अब इसका फोकस है टोटल 25 सेक्टर्स पे. तो ये सेक्टर्स आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर्स पे इसका इफेक्ट है. वो है एक्चुअली मुझे याद नहीं, मैं आपको बुक से देख के बताती हूँ. यस, जस्ट गिव मी अ मिनट. यस, हियर आर द सेक्टर्स. आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं, इफ़ यू फाइंड इट इंपॉर्टेंट तो आप इसे याद भी कर सकते हैं. तो ये सेक्टर्स हैं, देखिए, ऑटोमोबाइल्स, यहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल्स, एविएशन, केमिकल्स, आईटी एंड बीपीएम, फार्मास्यूटिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, स्पोर्ट्स, लेदर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, वेलनेस, माइनिंग, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, रेलवेज, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, थर्मल पावर, रोड्स एंड हाईवेज एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स. तो ये है वो 25 सेक्टर्स जिस पे डिपेंड करती है, मतलब जिसको ये इफेक्ट करती है, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. आई होप जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ आया हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड दैट्स इट गाइज. सो हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी और स्कीम के बारे में स्टडी करेंगे. सो दैट्स इट गाइज, सी यू सून एंड कीप सपोर्टिंग.